previously we discussed three substandards now we will discuss rest of the four standards including fee and financial arrangement barter with the clients or patients accuracy in reports to peers and funding sources referral and fee let's discuss standard 6.04 fee and financial arrangement there are five guidelines provided to psychologists when making fee and financial arrangement section a of this standard says that as early as is feasible in a professional or scientific relationship psychologist and recipient of psychological services reaches an agreement specifying compensation and billing arrangement सो स्टैंडर्ड 6.04 पॉइंट ए कहता है कि साइकोलॉजिस्ट जब थेरेपी काउंसलिंग असेसमेंट या कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं तो उन्हें रिसिपियन या क्लाइंट के साथ बिलिंग के मैटर पर पहले ही क्लियर एग्रीमेंट साइन करना चाहिए देर शुड बी क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल पेमेंट फॉर एग्जाम्पल फी फॉर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्कोरिंग इंटरपटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग एंड चार्जिज फॉर टेलीफोन एट्सट्रा सेक्शन बी ऑफ़ दिस स्टैंडर्ड गाइड्स दैट साइकोलॉजिस्ट फी प्रैक्टिसेस आर कंसिस्टेंट विद लॉ लेकिन लॉ के साथ कंसिस्टेंट होने के लिए ज़रूरी है कि साइकोलॉजिस्ट को लोकल स्टेट और फेडरल लॉ का इल्म हो सेक्शन सी ऑफ दिस स्टैंडर्ड हाइलाइट्स दैट साइकॉलॉजिट डू नोट मिस रिप्रजेंट फीस साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो गलत बयानी से काम ना लें और एक्यूरेट फीस बताएं और सर्विसेज के दौरान या बाद में ज़्यादा फी डिमांड ना करें मज़ीद ये कि साइकोलॉजिस्ट को अपनी एडवर्टीजमेंट ब्रॉशर्स या वेबसाइट पर एक्चुअल फ़ी से कम फी शो नहीं करनी चाहिए और ऐसा ना हो कि बाद में वो ज़्यादा फ़ी चार्ज करें इसके अलावा कोई गैर ज़रूरी टेस्ट या असेसमेंट बैटरी बाद में ऐड ना करें ताकि पेमेंट ली जा सके मोर ओवर साइकोलॉजिस्ट शुड नॉट यूज़ बेट एंड स्विच टेक्टेक्स यानी

तो जैसे ही साइकोलॉजिस्ट को इस बात का पता चले उसे तमाम पार्टीज और क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करना चाहिए और उनको आगाह किया जाए कि सर्विस में फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से लिमिटेशंस आ सकती हैं सेक्शन ई गाइड्स दैट इफ़ द रिसिपियन ऑफ सर्विसेज डज नॉट पे फॉर सर्विसेज एज अ ग्रेड एंड इफ साइकोलॉजिस्ट इंटेंड टू यूज कलेक्शन एजेंसीज और लीगल मयर्स टू कलेक्ट द फीस साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट इन्फॉर्म द पर्सन दैट सच मयर्स विल बी टेकन एंड प्रोवाइड दैट पर्सन एंड अपॉर्चुनिटी टू मेक प्रॉम्प पेमेंट मसला अगर क्लाइंट पेमेंट ना दे तो साइकॉलॉजिस्ट कलेक्शन एजेंसीज यूज़ कर सकता है या दूसरी लीगल मैयर्स ले सकता है लेकिन इन सर्विसज को यूज़ करने से पहले साइकोलॉजिस्ट उस शख्स को या क्लाइंट को इन्फॉर्म करेगा जिसने पेमेंट ना दी हो और क्लाइंट को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो प्राम पेमेंट करें लेकिन प्रॉम्प पेमेंट के लिए क्लाइंट को रीजनेबल टाइम दिया जाए ताकि वो पेमेंट अरेंज कर सके एटलीस्ट सिक्सटी टू नाइन्टी डेज दिए जाएँ और फिर भी अगर पेमेंट ना मिले तो अनपेड बिल्स कलेक्शन एजेंसीज को फॉरवर्ड कर सकता है स्टैंडर्ड 6.05 पॉइंट जीरो फाइव इज कंसर्न विद बाटर विद क्लाइंट्स और पेशेंट्स बाटर की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब क्लाइंट या पेशेंट फाइनेंशियल लिमिटेशन का सामना कर रहा हो और वह साइकोलॉजिस्ट के साथ बाटर कर सकता है बाटर इज बेसिकली द गुड सर्विसेज और अदर नॉन मोनिटरी रेमिनेशन फ्रॉम द क्लाइंट और पेशेंट इन रिटर्न फॉर साइकोलॉजिकल सर्विसेज। अगरचे बाटर एथिकल वायोलेशन में नहीं आता लेकिन साइकोलॉजिस्ट को क्लाइंट से चीज़ें या किसी किस्म की सर्विसेज लेते वक्त कॉशिस होना चाहिए ताकि क्लाइंट को किसी किस्म का नुकसान ना हो और अन मल्टीपल रिलेशनशिप डिवेलप ना हो सो दे आर टू गाइडलाइंस नंबर वन बार्टर इज़ नॉट क्लिनिकली कॉन्ट्रेंडिकेटेड एंड द रिजल्टिंग अरेंजमेंट इज़ नॉट एक्सप्लोइटेटिव क्योंकि बार्टर के दौरान अक्सर ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि बार्टर की लिमिट क्या होगी कहीं ऐसा ना हो कि क्लाइंट के हकूक का इस्तेसाल हो या साइकोलॉजिस्ट को अंडर किया जाए इसके अलावा सैकॉलॉजिस्ट के साथ घर की ज़रूरत की चीज़ें बाटर करने से दोनों के दरम्यान मल्टीपल रिलेशनशिप का रिस्क होता है तो साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो प्रोफेशनलिज्म और ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन रखे और क्लाइंट से एक्सेसिव चीजें डिमांड ना करे। स्टैंडर्ड पॉइंट जीरो सिक्स इज रिलेटेड टू एक्यूरेसी इन रिपोर्ट्स टू पेयर्स एंड फंडिंग सोर्सेज एज पर दिस स्टैंडर्ड इन द रिपोर्ट्स टू पेयर फॉर सर्विसज और सोर्स ऑफ रिसर्च फंडिंग साइकोलॉजिस्ट टेक रिजनेबल स्टेप्स टू इन्श्योर दूरेट रिपोर्टिंग ऑफ द नेचर ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइड और रिसर्च कंड फी charges or payment and where applicable the identity of the provider the finding and the diagnosis so ये standard accuracy honesty or truthfulness पर जोर देता है यानी जब साइकोलॉजिस्ट इंश्योरेंस कंपनी को क्लाइंट की थेरेपी का बिल देते हैं या कंपनी से कंसल्टिंग fee चार्ज करते हैं या अपने ग्रांट रिलेटेड अखराजात को डॉक्यूमेंट करते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो accurate रिपोर्ट दें इसके अलावा जब साइकोलॉजिस्ट अपने इंस्टीट्यूट से या दूसरे सोर्सेस से रिसर्च सपोर्ट लेते हैं तो उनको तमाम एक्सपेंसिस की एक्यूरेट रिपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए लास्ट स्टैंडर्ड 6.07 पॉइंट जीरो सेवन इस रिलेटेड टू रेफरल्स एंड फीस अक्सर साइकोलॉजिस्ट को अपने क्लाइंट्स को दूसरे साइकोलॉजिस्ट या प्रोफेशनल के पास रेफ़र करना पड़ता है ताकि क्लाइंट को बेहतर से बेहतर सर्विसेज दी जा सकें तो ऐसी सूरत में दोनों साइकोलॉजिस्ट का राइट होता है कि वो अपनी दी गई सर्विसेज की पेमेंट वसूल करें सो व्हेन साइकोलॉजिस्ट पे रिसीव पेमेंट फ्रॉम और डिवाइड फी विद एन प्रोफेशनल अदर दैन इन एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय रिलेशनशिप द पेमेंट टू ईच इज़ बेस्ड ऑन द सर्विस प्रोवाइडेड एंड इज़ नॉट बेस्ड ऑन द रेफरल इट यानी जब साइकोलॉजिस्ट दूसरे प्रोफेशनल के साथ मिलकर कोई सर्विसेज दें या उनसे कोई सर्विसेज लें या क्लाइंट को किसी और प्रोफेशनल के पास रेफ़र करें तो दोनों प्रोफेशनल्स को चाहिए कि वो आपस में फ़ी की डिवीज़न सिर्फ अपनी दी गई सर्विसेज पर करें और महज रेफ़रल की बेस पर फ़ीस चार्ज ना करें मसलन अगर एक साइकोलॉजिस्ट के पास वक्त नहीं है और जब कोई क्लाइंट आता है तो वो उसको दूसरे साइकोलॉजिस्ट के पास भेज दे तो ऐसी सूरत में वो दूसरे साइकोलॉजिस्ट से रेफ़र करने की फ़ी चार्ज नहीं करेगा मज़द ये कि फ़ी और पेमेंट रिलेटेड मैटर्स में उन्हें इंश्योर करना चाहिए कि वो क्लाइंट की वेलफेयर को प्रोटेक्ट करें प्रमोट करें और प्रोफेशनल इंटेग्रिटी को मेनटेन रखा जाए रेफरल से रिगार्डिंग भी साइकोलॉजिस्ट को ख्याल रखना चाहिए कि वो इम्प्रॉपर रेफरल ना करें यानी क्लाइंट को सिर्फ उस साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र किया जाए जो एक्सपर्ट हो सो स्टूडेंट सो फार वी डिस्कस सम गाइडलाइंस एंड एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू रिकॉर्ड कीपिंग एंड द फी In the next lecture, we will discuss Ethical standards 7 Education and Training. Till then, stabilize, take stay care, and Allah Hafiz.